पीछे, पीछे।, <laughs> पीछे, <तु> देखो। <laughs> पीछे देखो पीछे <laughs> पीछे तो देखो पीछे देखो पीछे देखो, पीछे तो देखो हाय गाइस दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस जो हम करते आ रहे थे तो हमारी सीरीज चल रही है एवरी संडे वी कम अप विद फ्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी रेशोज में चार रेशोज़ आती है हमारे पास विल बी डूइंग दैट बिफोर बिगनिंग द वीडियो जो भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उन सब का पी वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी जो सीरीज चलती आ रही है जो हमारे सेशनस होते आ रहे हैं इन सब की प्ले भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और साथ में मेरा जो फुल कोर्स है जो हमारे पूसा क्लासेस वाले ऐप पर अवेलेबल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो लेटेस्ट सी बिगिन करते हैं अपना ये सेशन तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेशोज़ और रेशोज में लास्ट क्लास के अंदर लास्ट सेशन के अंदर हमने किया था करंट रेशोज इस सेशन के अंदर हम करेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में आज हमारे पास चार रेशोज़ हैं डेट इक्विटी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये चार रेशोज रहती हैं इसके अंदर सबको पता है इसके बारे में अब आगे देखते हैं इनकी वेटेज कितनी आती है खाली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ की वेटेज फोर टू फाइव मार्क्स नहीं है ओवरऑल रेशोज़ चैप्टर की वेटेज फोर टू फाइव मार्क्स की हम लोग इसे चार सेशन में कर रहे हैं पहला सेशन में हमने लिक्विडिटी रेशोज लिया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिया इस सेशन में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ले रहे हैं अगले सेशन में हम लोग टर्न ओवर रेशोज लेंगे फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज लेंगे तो इन चार सेशन में वी विल कम्प्लीट दिस चैप्टर टेन ईयर क्वेश्चन जो इसके पास्ट ईयर में आ रहे हैं पहला क्वेश्चन सीधा, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं कहाँ आया हुआ है ऑल इंडिया 2012 में तो स्टेट विद रीजन वेदर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विद रिजल्ट इन इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज ऑफ डेट इक्विटी रेशियो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन है आपको लास्ट क्लास में भी तरीका बताया था करने का लेटेस्ट ही डेट इक्विटी रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी और अगर और प्रिसाइसली बोला जाए तो शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन नॉन सॉरी नॉन करंट लाइबलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंडस ये हमारा फॉर्मूला होता है अब यहाँ पर कहता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन किसका पार्ट होता है डेट का पार्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटी तो जो हमारा अगर हम रीपेमेंट करेंगे यानी कि हमारा डेट डिक्रीज हो रहा है अब डेट हमारा अगर डिक्रीज हो जाएगा इफ़ आर डेट विल डिक्रीज तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी न्यूमरेटर कम होने पर हमारी रेशो ओवरऑल क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रेशो विल डिक्रीज तो रेशो विल डिक्रीज रीजन भी देना है क्यों बिकॉज या फिर सिंस आर डेट पोर्शन विल डिक्रीज एंड इफ द डेट इज डिक्रीजिंग आर न्यूमरेटर विल डिक्रीज हेंस इट विल पुल डाउन द होल रेशो एंड द रेशो विल रिड्यूस और डिक्रीज तो हमें यहाँ पर या आंसर लिखना पड़ेगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अच्छा सर आपने कहा था कि अगर रेशो के अंदर इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को कोई हैपोथेटिकल रेशोज लेनी होती है या क्वेश्चन में गिवन होगी जैसे सपोज पॉइंट एट इज़ टू वन वन इज़ टू वन टू इज टू वन इन सब में अलग अलग आंसर आता है इन सब केसेस में अलग अलग आंसर कब आता है जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा हो यदि खाली एक ही जगह चेंज आ रहा है सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता रेशो चाहे पॉइंट एट इज़ टू वन हो चाहे वन इज़ टू वन हो चाहे टू इज़ टू वन हो तीनों ही केसेस में हमारी रेशो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी कम हो जाएगी बट अगर यही रेशोज में हमारे पास न्यूमरेटर में भी चेंज आ रहा होता डिनोमिनेटर में भी चेंज आ रहा होता तब हमें तीनों अलग अलग सेपरेट केसेस लेने पड़ते और तीनों में हमारा आंसर क्या आता अलग आता तो तब वो केसेस लेने होते हैं हम लोगों को ऐसे अदरवाइज हमें नहीं लेने होते नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया टू थाउजेंड फोर्टीन इसमें इट्ज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला फॉमूला बच्चे अक्सर भूल जाते हैं पहला याद रहता है डेटिकुडी क्योंकि नाम में फिर याद रहता है अगला टोटल एसेट्स टू डेट उसके अंदर भी नाम में ये रेशो यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स तो लेटेस्ट सी यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स के लिए तो मेरे पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहीं लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशो दिस इज इक्वल टू इक्विटी या फिर उसको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स तो हमारे पास दे रखे हैं टोटल एसेट्स में तो हम लोग ले लेंगे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट एग्ज़ाम में काम चोरी मत करना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि एग्ज़ाम में नहीं चलेगा फुल फॉर्म्स लिखना शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगी तीन लाख साठ हज़ार प्लस नब्बे हज़ार दिस इज फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड चार लाख पचास हज़ार की तो आगे हमारे पास भाई टोटल एसेट्स ये कर देते हैं डिनोमिनेटर में अब बारी रहती है इक्विटी की तो मेरे पास तीन चीज़ें गिवन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस करंट लाइबिलिटीज़ नीचे एन और सी ए जब भी ना समझ आए कुछ भी बैलेंस शीट बनाओ अपनी रफली एक रफ़ बैलेंस शीट बना लो कहीं पर भी तो रफ़ बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर हम लोग एक इक्विटी वाली साइड लेते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड लेते हैं उसके अंदर सबसे पहला कम्पोनेट आता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंडस हमें नहीं पता भाई ये कितना है दूसरा पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें लॉन्ग टर्म बोरविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी कि थ्री लाख रुपीज़ ये हमारे पास थ्री लाख रुपीज़ आ जाएगा फिर बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की यही तीन मेजर हेड्स होते हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं फिफ्टी थाउजेंड या हमें टोटल पता है यहाँ पर सर टोटल नहीं पता पता है बेटा टोटल टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं आपने ऊपर अभी टोटल एसेट्स निकाला अभी आपने यहाँ पर टोटल एसेट्स निकाला तो ये भी यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर हो जाएगा क्या अब आप ये शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी जिसको हम बोले क्या आप ये मिसिंग फिगर निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो तो यहाँ पर अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे इसकी जगह हमारे बैलेंसिंग फिगर मिसिंग फिगर आ जाएगा एंड दिस विल बी वन लाख हमारा इक्विटी भी आ गया हमारा टोटल एसेट्स भी आ गया यहाँ पर तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी रेशो निकाल तो so रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर वन लाख और फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड आ रहा है तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं दिस इज पॉइंट टू टू इज टू वन रेशो इज पॉइंट टू टू इज टू वन एंड दिस क्वेश्चन इज डन हमारा हो गया ये आसानी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रस्थान करते हैं यह आ गया हमारा अगला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर निकालना है यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिक्स लाख टेन परसेंट डिबेंचर्स टेन लाख टैक्स फोर्टी परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड एटी लाख देख लेते हैं कर लेते हैं ये भी आसानी से हो जाएगा इसमें भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे पास तो ये हमें दे रखा है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज इक्वल टू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया ये तो हमारा हमारे पास उसका क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का दिस बिलोंग्स टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज मेरे को लगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स देखा तो ये हमें अभी नहीं करना अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोगों को इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो यहाँ पर हम लोगों को टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालनी है इसको जरा ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हमारे लिए स्क्रीन पर जगह बन जाए चलो तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालनी है अभी हम ऊपर फार्मूला करके आए प्रोप्राइटरी रेशो का अब यहाँ पर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का तो फार्मूला लिखते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डेट डेट बोले तो यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज ओनली लॉन्ग टर्म डेट की बात होती है टोटल डेट की बात नहीं होती है तो सी टोटल एसेट्स अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गिवन है बेस्ट है यहाँ पर बैलेंस शीट बना लो बैलेंस शीट बनाते ही सब कुछ निकल के आ जाएगा एक बार बैलेंस शीट रफली बनाते हैं मेजर हेड लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने पास आ जाता है यहाँ पर एकविटी एंड लाइबिलिटीज या वर्किंग नोट में बनाओगे ये एग्ज़ाम के अंदर वर्किंग नोट में बनाया जाएगा मेजर हेड्स जो हैं यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास होता है शेयर होल्डर्स फंड्स पूरा पूरा लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इसको भी फुल फॉर्म लिखोगे और करंट लाइबिलिटी फिर हम इसका यहाँ पर टोटल कर देंगे आगे बढ़ते हैं तो ये एसेट्स वाली साइड आ जाती है फिर हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रकार के एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स वो देख लेते हैं इधर भी सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं पता अभी इसको छोड़ देंगे बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट दो लाख दस हज़ार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो दो लाख दस हज़ार यहाँ पर लिख दूंगा का पार्ट बन जाएगी फिर उसके बाद बोलता है लैंड और लैंड है आठ लाख पचास हज़ार का इधर लिखते हैं भाई आठ लाख पचास हज़ार फिर आ जाता है ट्रेड रिसिवेबल तो आ जाएगा टू तो लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड देन कम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और आगे बढ़ते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ जाएगा इधर चौदह लाख तीस हज़ार फोटीन लाख थर्टी थाउजेंड एट परसेंट डिबेंचर्स ये आ जाएगा फोर लाख ,00 फिर उसके बाद हमारे पास है कैपिटल रिज़र्व कैपिटल रिजर्व भी शेयर होल्डर फंडस का पार्ट बनेगा टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंडन वी हैव सर तो सरप्लस भी आ जाएगा इधर डेढ़ लाख रुपये हमने ऑलमोस्ट सब कुछ सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़कर हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया यहाँ तो लेटेस्ट डू आर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं ये आ रहा है अपने पास टेन लाख सिक्सटी थाउजेंड अच्छा क्वेश्चन है दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन फिर उसके बाद आता है हमारे पास टू सेवेंटी फाइव और वन फिफ्टी फोर लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या हमारे पास कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं करंट लाइबिलिटीज़ नहीं दिख रही यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स का टोटल करते हैं चौदह लाख तीस हज़ार प्लस टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज़ एटीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड एटीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर अब एक चीज़ समझना हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है डेट प्लस एक डेट प्लस इक्विटी बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन अपने को पच्चीस लाख नॉन करंट लाइबिलिटीज अपने पास कितना है यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज हम लोगों को पूरा नहीं पता देखो ये चार लाख एक चीज़ पता है एक पार्ट पता हमें उसका बट पूरा टोटल नहीं पता दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन इसको दो बार करना कम से कम नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक हिस्सा दे रखा है चार ,00 लाख रुपये पूरा नहीं गिवन हम लोग तो मान के चलते हैं हमें टोटल नहीं पता नॉन करंट लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड एटीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पर अब हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लेंगे और ये अपने पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव लाख माइनस एटीन लाख फिफ्टी फाइव थाउज़ेंड यह आ जाएगा सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये अपने पास बाहर टोटल आएगा सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड और इधर हम लोग बैलेंस आ जाएगा टू लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड अब आगे देखें हम लोग तो, तो 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 हमारे पास कुछ मिसिंग है क्या इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया दो दस लैंड ले लिया आठ पचास फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल था ट्रेड रिसीवेबल भी हमने टू सेवेंटी फाइव ले लिया था फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्वरेंट्स भी ले लिया था इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया कैपिटल रिजर्व भी आ गया हमारे पास सरप्लस भी आ गया करंट लाइबलिटीज़ है नहीं करंट लाइबिलिटीज़ निल है हमारे पास ज़ीरो आ रही है यहाँ तो ज़रा हम लोग इधर टोटल करते हैं इधर टोटल आता है पच्चीस लाख रुपए टोटल लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है पच्चीस लाख रुपए यदि हम यहाँ पर टोटल एसेट्स करें इसका टोटल निकालें तो ये हमारे पास आ रहा है फोटीन लाख एटी फाइव थाउजेंड रुप फोटी एटी फाइव अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ पर तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं दीज आर नॉट इक्वल एंड हमारा टोटल एसेट शुड ऑलवेज भी इक्वल टू तो टोटल लाइबिलिटीज़ अब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें ऑब्वियस से ज़्यादा वाला फिगर लेना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा वाला फिगर लेना पड़ेगा वी विल अज्यूम कि कोई ना कोई करंट एसेट या कोई ना कोई नॉन करंट एसेट के बारे में हमें नहीं बताया हुआ हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हम ज्यादा वाले टोटल को इस्तेमाल करेंगे हमारा ज़्यादा वाला टोटल है पच्चीस लाख अब यहाँ पर या तो एक्स ले लो यहाँ पर या तो वाई ले लो भाई कुछ कुछ होगा हमें नहीं पता हमें अगर टोटल की फिगर मिल जाए तो बहुत है हमें यहाँ पर अलग अलग बाइफर्केशन नहीं चाहिए नाउ वी हैव आवर टोटल एसेट इधर ये हमारे पास टोटल एसेट आ गया और यही हमारे पास हमारा कौन सी रेशो कर रहे हैं टोटल एसेट्स टू तो डेट रेशो तो टोटल डेट भी आ गया हमारे पास हमारे पास टोटल एसेट्स भी आ गया और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया यहाँ पर अब हम लोग रेशो निकाल लेते हैं तो टोटल एसेट्स में आ जाएगा पच्चीस लाख और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी या डेट में आ जाएगा सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड दिस शैल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट एट सेवन इस टू वन क्या मतलब हुआ इसका हमारे पास अगर एक रुपए का डेट है तो उसके बदले थ्री पॉइंट एट सेवन के हमारे पास यहाँ पर टोटल एसेट्स हैं तो दैट्स ऑल इन दिस रेशो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इधर तो नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा वट इज बाय सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है तो आप इसके अंदर दोनों बताओगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी आप इसके अंदर क्या आंसर लिख करके आओगे आप लिखोगे सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस मीन्स इट्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफ अ बिजनेस इज एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इट इज नोन एज सॉल्वेंट इन द लॉन्ग रन एंड इफ अ बिजनेस इज एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज इन द शॉर्ट टर्म इट इज़ नोन एज सॉल्वेंट इन द शॉर्ट टर्म साथ में हम लिख सकते हैं देर आर अ फ्यू रेशियोज टू मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ के नाम लिखोगे करंट रेशो क्विक रेशो डेट इक्विटी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो प्रोप्राइटरी रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो बस दो चार लाइनों में लिखाना रेशोज़ के नाम लिखाना और सॉल्वेंसी का मतलब बता देना इससे ये भी पता लगता है बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है वेदर टू एक्सटेंड लोन टू द बिजनेस और नॉट तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो बड़ी जनरल बातें हैं यू नो द मीनिंग यू कैन राइट द आंसर वेरी इजिली सो ऑलवेज गो फॉर द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर आता होगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा हो अगला हमारे पास सेकेंड पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफटेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास दिस इज ट्वेंटी लाख रुपये ये हमारे पास बीस लाख रुपए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हम लोगों को और साथ में हम लोगों को ट्वेल्व परसेंट लॉन्ग टर्म डेट गिवन है टैक्स रेट दिया चालीस परसेंट कब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डेली 2016 का क्वेश्चन तो लेटेस्ट सी कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है आसान क्वेश्चन है यही आता है ऐसे ही क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स दिए फॉर्मूला में क्या आता है सी द फार्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशो फार्मूला में आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स भी क्या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लो इन्हें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस पूरे को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम किस से इंटरेस्ट पेमेंट्स इंटरेस्ट पेमेंट तो हमेशा सबसे पहले फार्मूला लिखा करो फिर पीछे पड़ा करो न्यूमरेटर के या डिनोमिनेटर के तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूमरेटर निकालते हैं बिफोर टैक्स निकालना है हमें और बिफोर इंटरेस्ट निकालना है तो पहले क्या ऐड बैक करेंगे पहले हम लोग टैक्स को ऐड बैक करेंगे क्या टैक्स गिवन है नहीं सर टैक्स का लेकिन रेट गिवन है चालीस परसेंट मान लेते हैं लेट लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स हमारा टैक्स चार्ज करने से पहले प्रॉफिट एक्स X था एक्स X में से हमने चालीस परसेंट टैक्स माइनस करा और हमारे पास यहाँ पर बच गया एक लाख बीस हज़ार रुपये ये हो जाएगा सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी दो लाख रुपये हर एक्स की वैल्यू इज टू लाख रुपीज़ हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया अब इसको हमें बिफोर इंटरेस्ट बनाना है तो इंटरेस्ट भी जोड़ दो इसके अंदर इंटरेस्ट भी जोड़ देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू दो लाख रुपये तो नेट प्रॉफ़िट था बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ना है तो इंटरेस्ट बारह परसेंट बीस लाख रुपये का बीस लाख ,00 का यदि हम बारह परसेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा दो लाख चालीस हजार तो इसको ऐसे करके देख लो बारह परसेंट ऑफ बीस लाख दिस विल बी टू लाख प्लस टू लाख फोर्टी दिस इज फोर ये अपने पास आ रहा है चार लाख चालीस हज़ार रुपये तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हमने निकाल ली दो लाख चालीस हज़ार की तो so, डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे फार्मूला में डाल देते हैं चार लाख चालीस हज़ार डिवाइडेड बाई टू लाख फोर्टी थाउजेंड आई गेस हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं 12% 20 लाख का लेंगे 240 आ जाएगा बिल्कुल ठीक है टैक्स uh, रेट लेने के बाद दो लाख ठीक है तो आंसर सीम्स फाइन सही लग रहा है आंसर हमारा रेटेस्ट सी कैलकुलेशन कर लेते हैं फोर लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू तो लाख फोर्टी थाउजेंड ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वन पॉइंट एट टाइम्स ये टाइम्स में आता है हमारे पास आंसर तो दिस इज़ वन पॉइंट एट थ्री टाइम्स तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर आई होप आपको समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब इंक्रीज डिक्रीज वापस से इंक्रीज डिक्रीज और नो no चेंज वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी रेशो गिवन है तो पॉइंट एट इस टू वन दे रखी है रेशो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एट्टी थाउजेंड या फिर चलो आठ लाख और दस लाख मान के चल लो एक आर्बिट्री फिगर ले लो यहाँ पर आठ लाख और दस लाख प्रोप्राइटरी रेशो क्या फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशो का इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स हमने यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंडस को आठ लाख मान लिया और साथ में टोटल एसेट्स को हम लोगों ने दस लाख मान लिया लेटेस्ट तो पहला पार्ट कहता है यहाँ पर ऑप्टेन द लोन फ्रॉम बैंक रुपीज़ टू लैख पेबल आफ्टर फाइव ईयर्स दो लाख का हमने लोन ले लिया देखो जब आप दो लाख का लोन लोगे तो आपकी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और जब लाइबिलिटीज का टोटल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है टोटल एसेट्स का टोटल भी बढ़ेगा यहाँ पर अगर लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं तो एसेट्स भी तो बढ़ेंगे दो लाख रुपये का आप लोन ऑप्टेन करोगे इससे आपके पास कैश भी तो आ जाएगा और कैश आएगा आपके पास तो ये टोटल एसेट्स का पार्ट बनेगा तो आपका यहाँ पर न्यूमरेटर जो है अनचेंज रहा न्यूमरेटर तो वही रहेगा फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं चलो उसको फर्स्ट पार्ट के आगे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के आगे लिखते हैं आपका न्यूमरेटर तो वही आठ लाख का आठ लाख ही रहा बट आपके पास जो कैश आया वो आपके पास यहाँ पर आपके एसेट्स को तो बारह लाख कर दी तो आपकी रेशो क्या हो गई ओवरऑल पहले पॉइंट एट इस टू वन थी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टू बाई थ्री दिस विल बी पॉइंट सिक्स सेवन इज टू वन हमारी रेशो क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर डिक्रीज रीजन आपके सामने रीज़न आप लिख कर आओगे सिंस इफ इफ यू ऑप्टेन अ लोन फ्राम बैंक आर कैश कॉम्पोनेट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज इन कैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल एसेट्स एंड रिजल्ट इन डिक्रीज इन ओवरऑल रेशो तो रेशो के ऊपर ओवरऑल डिक्रीज का इम्पैक्ट आ जाएगा परचेज मशीनरी फॉर कैश सेवेंटी फाइव थाउजेंड मशीनरी आ गई कैश चला गया तो टोटल एसेट्स अनचेंज रहे हैंस रेशो भी अनचेंज रहेगी तो यहाँ पर हमारे पास नो चेंज कैश गया मशीनरी आई एक एसेट गया दूसरा एसेट आया तो यहाँ पर रेशो अनचेंज रहेगी प्लस माइनस का इम्पैक्ट निल आ जाएगा रिडीम फाइव परसेंट रिडीमेबल शेयर्स तो प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों ने रिडीम करें यहाँ पर तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कम हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर कैश भी चला जाएगा कैश भी जाएगा तो लेटेस्ट सी तो शेयर्स कम हो जाएंगे आठ लाख में से एक लाख कम कर दो ये हो जाएंगे सात लाख अरे शेयर्स हो गए कम और साथ में नीचे हमारे पास जो अब कैश जाएगा कैश जो हमारे पास जाएगा वो कितना जाएगा अपने पास एक लाख नहीं जाएगा इसके अंदर रिडेम्शन हो रहा है प्रीमियम पर तो एक लाख प्लस पाँच परसेंट यानी कि कितना हमें जो कैश देना पड़ेगा वन लाख फाइव थाउजेंड देना पड़ेगा तो अपने पास अब रेशो यहाँ पर जो एसेट्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे टेन लाख नाइन्टी फाइव थाउज़ेंड टेन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड रेशो निकाल लेते हैं फटाफट से सेवन लाख डिडेड बाई टी फाइव गिव्स मी पॉइंट इज टू वन पॉइंट यहाँ पर भी हमारी रेशो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही दर बी रेशो इज़ डिक्रीजिंग आगे देखते हैं इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज फॉर फोर लाख तो हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए वेंडर्स ऑफ मशीनरी को इक्विटी शेयर्स देंगे तो हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर आ जाएगा हमारे पास अब बारह लाख रुपए। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना इक्विटी शेयर्स दिए हमने इशू करे वेंडर्स ऑफ मशीनरी को दैट मीन्स हमने मशीनरी भी परचेज करी तो ये हो जाएगा सोलह लाख दिस विल बी दिस विल बी फोर थ्री फोर फोर ठीक है भाई थ्री बाई फोर ये अपने पास अब आ जाएगा पॉइंट सेवन फाइव एज टू वन पॉइंट सेवन फाइव टू वन तो ये भी हमारी रेशो को क्या कर रहा है यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है एक बार स्टिल हम इसको कंफर्म कर लेते हैं पॉइंट सेवन फाइव एस टू वन अल्टीमेटली हमारी जो रेशो है यहाँ पर ये भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो बढ़ रहे हैं दोनों के दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं दे आर इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट्स ये भी हमारे पास सेम अमाउंट से बढ़ाया है नहीं गलत करे गलत करे गलत करे डिनोमिनेटर में सोलह लाख नहीं आएगा तो नॉमिनेटर में सोलह लाख नहीं आएगा दस लाख में चार लाख जोड़ेंगे तो चौदह लाख आएगा वही सोचूं कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ मेरे को लग रहा था कि गड़बड़ हो रही है मिल गई गड़बड़ तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्स अपॉइंट सेवन अंड अगर हम सिक्स सेवन को लिखें दिस इज पॉइंट एट फाइव टू वन हमारी रेशो डिक्रीज नहीं होगी यहाँ पर हमारी रेशो इंक्रीज हो जाएगी रेशो तो विल इंक्रीज ये क्वेश्चन कहाँ आया था ऑल इंडिया 2017 में अच्छा क्वेश्चन था प्लीज़ ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन यहीं इन्हीं वीडियो से करो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इट्स इज इक्विटी शेयर कैपिटल फोर लैख लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी दे रखे हैं काफी चीज़ें दे रखी हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालना है यहाँ पर निकाल लेते हैं ए पार्ट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट डेट बोले, पर, बोले तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो टोटल एसेट्स के लिए हम लोगों के पास नहीं पता हमें कितना है बट पहले यहाँ पर ले लेते हैं डेट ले लेते हैं डिनोमिनेटर जो पता है वो ले लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आएगा और कुछ आएगा कि डिनोमिनेटर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा एक अस्सी और एक बीस एक लाख अस्सी हज़ार प्लस एक लाख बीस हज़ार तीन लाख आ गया न्यूमरेटर में क्या आएगा न्यूमरेटर में हम लोगों को टोटल एसेट्स चाहिए नई गिवन क्वेश्चन में क्या करें सर एक चीज़ निकाल निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या निकाल सकते हो टोटल लाइबिलिटीज़ सर लाइबिलिटीज़ निकाल सकते हैं सारी चीज़ें दे रखी हैं लाइबिलिटीज़ की तो टोटल लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होती हैं टोटल एसेट्स के तो यहाँ पर क्या करो सारी चीज़ों को प्लस कर दो चार लाख इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स फिर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलटीज़ फिर हमारे पास अगेन शेयर होल्डर्स फंड्स जनरल रिजर्व ये भी शेयर होल्डर्स फंड्स में जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी इन सब को ऐड कर दोगे तो टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी टोटल एसेट्स भी इन सब के बराबर हो जाएंगे इन सबको ऐड करते हैं एक बार एक उल्टा चलता हूँ मैं एक बीस प्लस तीस एक पचास प्लस सत्तर दो बीस दो बीस तीन बीस तीन बीस और एक अस्सी पाँच लाख पाँच लाख और चार लाख नौ लाख नाइन लाख रुपीज़ हमारे पास इन सबका टोटल आ जाता है विच इज टोटल लाइबिलिटीज एंड दिस इज इक्वल टू टोटल रेशो नाइन लाख डिवाइडेड बाय थ्री लाख विच इज थ्री एस टू वन तुम्हारी रेशो निकल के आ जाती है यहाँ पर थ्री इज टू वन आगे बढ़ते हैं बी पार्ट देखते हैं अब आसान था ए पार्ट तो बी पार्ट देखते हैं इट्स इज द डेट इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज वन इज टू टू डेट वेदर इशू ऑफ बोनस शेयर्स विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी वन एस टू टू है one is to two. मान लेते हैं फर्दर वन लाख अपॉन टू लाख इशू ऑफ बोनस शेयर्स देखो बोनस शेयर्स जब इशू होते हैं तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल या जो भी हमारा शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाता है इक्विटी कॉम्पोनेंट बढ़ जाता है मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था एक लाख रुपए के एक लाख रुपए के शेयर्स इशू करे थे तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं एक लाख नीचे डिनोमिनेटर हमारा सॉरी शेयर्स इशू करें तो नीचे आएगा इक्विटी हमारे पास नीचे आएगा एक लाख बढ़ा देते हैं यहाँ पर इसे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन लाख थ्री लाख, विच इज़ वन एज़ टू थ्री तो हमारी रेशो यहाँ पर सही हो रही है या ख़राब हो रही है डिनोमिनेटर जब भी बढ़ेगा हमारा देखो आप लोगों को लगेगा वन एज टू टू से वन एज़ टू थ्री हो रही है better ही तो हो रही है टू से थ्री होना बेटर तो है नहीं आपका डिनोमिनेटर बेटर हो रहा है आप अगर रेशो को एक्चुअली में देखोगे इस रेशो को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट फाइव जीरो इज टू वन इस रेशो को हम लिख सकते हैं पॉइंट फाइव इज़ टू वन हमारी अब जो रेशो हो गई है ये हो गई है यहाँ पर पॉइंट थ्री थ्री इज़ टू वन हम लोगों को जो राइट मोस्ट कॉम्पोनेंट होता है डेट इक्विटी में इक्विटी को आप वन के टर्म्स में एक्सप्रेस करो जैसे हम लोग करंट रेशो के अंदर करंट लाइबिलिटीज को वन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी रेशो पॉइंट फाइव से पॉइंट थ्री थ्री हो रही है यहाँ पर तो हमारी रेशो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है आर रेशो इज़ गेटिंग डिक्रीज इधर हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशो मे बी ऐसा लगे भ्रम हो कि सर वन इज़ टू तो टू से वन इज़ टू तो थ्री हो रही है टू से थ्री हो रहा है बेटर हो रहा है नहीं हम लोगों को ऐसे कंपेयर करो पॉइंट फाइव जीरो इज टू वन और इसको लिखो पॉइंट थ्री थ्री इज टू वन अब देखो क्या हो रहा है रेशो में हमें हमेशा ये वाली लेफ्ट मोस्ट साइड को कंपेयर करना होता है अब यहाँ पर तो लेफ़्ट मोस्ट साइड वन इज़ टू तो वन है बट यहाँ पर हम लोग इसको ढंग से एक्सप्रेस करेंगे पहले और फिर लेफ्ट मोस्ट साइड को कंपेयर करके लिखेंगे वेदर द रेशो इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नॉट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दू फॉलोइंग कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो सिंपल सा क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इक्विटी शेयर पहले फॉर्मूला लिख लो ये आए वो ऑल इंडिया टू थाउजेंड नाइनटीन अभी कर कर आ रहे हैं ऐसा एक क्वेश्चन टोटल एसेट्स टू डेट रेशो दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट तो इधर हमारे पास टोटल एसेट्स के लिए हम लोगों के पास गिवन है क्या कुछ करंट एसेट्स हैं और हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं देख लेते हैं वैसे मैं कहूँगा इसके अंदर बैलेंस शीट बनाओ एक काम करो बैलेंस शीट बनाओ पता नहीं टोटल दोनों साइड का कितना आएगा तो एक बार बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं रफली हम लोग यहीं ऊपर ही बना लूँ क्या ऊपर ही बना लेता हूँ चलो यहीं एक छोटी सी ना बैलेंस शीट बना लेते एंड लाइबिलिटीज आप लोग अपने वर्किंग नोट में बनाओगे बैलेंस शीट आप लोग ऐसे इधर-उधर मत बना देना या रफ वर्क में मत बना देना इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज तो इधर आ जाएगा टोटल फिर बात करेंगे यहां पर हम लोग एसेट्स की एसेट्स के अंदर भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट और यहां पर इनका टोटल आ जाए चलो जी तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या जाएगा पाँच लाख रुपए की ये चली जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चार लाखी हो गया प्रेफरेंस हो गया फिक्स एसेट्स हमारे इधर आ जाएंगे बारह लाख रुपए के फिर अपने पास यहाँ पर क्या आ जाता है सी नॉन करंट अब फिक्स एसेट्स हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन में तो ये भी इधर एक लाख पचास हज़ार लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं रिजर्व एंड सर प्लस टू लाख फोर्टी थाउजेंड ये बनेगा शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट और आगे बढ़ते हैं करंट एसेट्स आ जाएंगे इधर एक लाख नब्बे हज़ार फिर आ जाता है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ ये अपने पास एक लाख रुपये ठीक है तो एक बार टोटल्स देख लेते हैं कितने कितने आते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लाख नाइन्टी थाउजेंड टोटल आ जाएगा हमारे पास पंद्रह लाख चालीस हज़ार चल चेक कर लेंगे हम लोग इधर ठीक है फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड और अगर इधर ऊपर बात करें तो ग्यारह चालीस ग्यारह लाख चालीस हज़ार इधर आ रहा है एक लाख इनसीएल हमें दिया नहीं है ये हमारा मिसिंग फिगर बनेगा यहाँ पर जो हमारे पास एसेट्स का टोटल है वही हमारे पास इधर लाइबलिटीज़ का टोटल बनना चाहिए तो इधर हमारे पास जो मिसिंग फिगर है दो लाख रुपये डेट का निकल के आ जाएगा ऑन करंट लाइबिलिटी जब भी इन क्वेश्चन में फँसो बैलेंस शीट बनाया करो टोटल एसेट्स हैं पंद्रह लाख चालीस हजार डेट है अपने पास यहाँ पर दो लाख फटाफट से इस रेशों को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में प्लीज़ अपना ध्यान रखना क्या आ जाता है हमारे पास सेवन पॉइंट सेवन एस टू वन एक डेट के बदले एक रुपये के डेट के बदले हमारे पास सात रुपये सत्तर पैसे के एसेट्स पड़े हैं यहाँ पर इन्होंने भी हमें डेट दे रखा होगा वो थैंकफुल होंगे वो वो मतलब सेटिसफाइड होंगे वो कहेंगे एक रुपए के डेट के बदले इनके पास साढ़े सात रुपये के आसपास का एसेट पड़ा है तो कल को अगर हमारा पैसा चाहिए भी होगा तो एसेट बिक करके आ जाएगा तो डेट होल्डर्स जो होते हैं इसको ऐसे देखते हैं मतलब तो जो हमें डेट देते हैं बेसिकली डेट होल्डर नहीं जो हमें डेट देते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़ हम लोग लेकिन अभी डेट इक्विटी रेशो निकालेंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कर रहे हैं लिक्विड रेशो हम पहले निकाल चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लो रेशोज़ में करेंगे तो अभी डेट इक्विटी रेशो करते हैं तो डेट इक्विटी के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए सर एक तो डेट चाहिए आपको और आपको साथ में इक्विटी चाहिए ये हमारे पास डेट टी तो डेट कितना कितना है लेटेस्ट सी तो हमारे पास नाइन परसेंट डिबेंचर्स हैं ये आ जाएगा फोर लाख ,00 फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है ये आ जाएगा हमारे पास वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और क्या है अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है नीचे आठ लाख ,00 और तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है हम लोगों को तीन लाख ,00 ये बनेगा हमारे पास इक्विटी का पार्ट ये और ये और देख लो और कुछ है क्या हमारे पास क्या प्रॉफिट दे रखा है हम लोगों को नहीं गिवन प्रॉफिट क्या हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर तो हमने ले लिए क्या कोई रिजर्व दे रखा है कोई रिजर्व नहीं है और कोई लोन भी नहीं है तो यही रहेगा तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा इजीली बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों वाला क्वेश्चन था कोई भी कर लेगा ये हमारे पास वन एस टू टू पर कट जाता है लेकिन रेशो हम वन एस टू टू नहीं लिख करके आएंगे रेशो यहाँ पर भले ही वन इस टू टू आ रही है लेकिन ये नहीं मुझे जो राइट मोस्ट है इसको वन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है वन डिवाइडेड बाई टू दिस विल बी पॉइंट फाइव इज टू पॉइंट फाइव इज टू वन हमारे यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू अगेन यहाँ पर ये यह वाला है इधर भी हम लोग अभी खाली डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे बिकॉज वी आर डूइंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज तो लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है हम लोगों के पास नाइन परसेंट डिबेंचर्स हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2010 कंपार्टमेंट के पेपर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ऊपर exactly जैसा कुछ भी फ़र्क नहीं है सिर्फ अमाउंट्स का फ़र्क है बाकी सब कुछ बाकी एवरी इज़ सेम तो यहाँ पर चार लाख और बारह लाख आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट आएगी रेशो निकाल लोगे आप आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर ये खुद करना यदि स्टिल कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल और मैसेज भी ये मेरा नंबर है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो पूछ सकते हो आगे बढ़ते हैं अज्यूमिंग दैट द डेट इक्विटी रेशियो इज टू इज टू वन स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशो वुड इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज टू इज टू वन है एनी फोर करने हैं बट हम सारे करेंगे यहाँ पर टू इज टू वन की जगह हम इसको दो लाख और एक लाख मान लेते हैं दो लाख और एक डेट अपॉन टी ठीक है क्रेडिट ऑफ टू मंथस हम लोगों ने फिक्स एसेट्स लिए दो महीने का क्रेडिट दो महीने का क्रेडिट तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं होता हमारे पास और फिक्स एसेट्स भी खरीद रहे हैं तो डेटा इक्विटी पर कोई असर नहीं आएगा तो यहाँ पर नो चेंज सर आंसर आ जाएगा नो no चेंज आगे कहता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर तो जब हम लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमारा डेट या हमारी इक्विटी पे फ़र्क आएगा और ये क्या फ़र्क आएगा लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट इसका मीनिंग समझो सबसे पहले मीनिंग ही नहीं पता होगा आधे बच्चों को तो कैसे करोगे तो मीनिंग समझते हैं लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बोले तो लॉन्ग टर्म का हमने एक उधार ले लिया एक पेमेंट प्लान ले लिया हमने कह दिया हम तीन साल के बाद पैसा देंगे या चार साल के बाद पैसा देंगे दैट मीन्स एक तरीके से हम लॉन्ग टर्म का लोन ले रहे हैं हम अपना डेट कम्पोनेंट पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर मान के चलते हैं एक लाख का लिया था तो इधर मेरे पास डेट हो जाएगा तीन लाख का और इक्विटी मेरी वही की वही रही इक्विटी मेरी एक लाख की एक लाख रही तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा इंक्रीज हमारी रेशो बढ़कर हो गई इधर थ्री टू वन डेट बढ़ गया न्यू न्यूमिनेटर बढ़ गया डिनोमिनेटर जो था इक्विटी वही का वही रहा हमारे पास आगे कहता है इशू ऑफ़ न्यू शेयर्स फॉर कैश न्यू शेयर्स इशू करोगे तो भैया हमारा यहाँ पर न्यू डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा अब हमारे पास पहले रेशो थी टू इज़ टू वन अब हमने और रेशोज़ यहाँ पर इशू करे और शेयर्स यहाँ पर सॉरी रेशो नहीं और शेयर्स यहाँ पर इशू करे तो फर्दर शेयर्स इशू करने पर देखते हैं न्यूमरेटर वही का वही रहा दो लाख रुपए डिनोमिनेटर अब हमारा बढ़ गया डिनोमिनेटर को भी एक लाख से बढ़ा देते हैं मान के चलते हैं एक लाख के शेयर्स इशू करे हमारी रेशो हो गई वन इज़ टू वन टू इज़ टू वन से हमारी रेशो आ गई टू वन इज़ टू वन पर दैट मीन्स हमारी रेशो क्या हो गई यहाँ पर डिक्रीज हो गई आगे बढ़ते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर बोनस शेयर भी जब हमारे बढ़ते हैं तो हमारा इक्विटी बढ़ जाता है अगेन इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगा डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास इसका सेम आंसर होगा यहाँ पर डिक्रीज़ डेट पर कोई असर नहीं आएगा हमारे पास बट हमारे पास यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट विल इंक्रीज वो बढ़ के हमारी ओवरऑल रेशो को क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा सेल ऑफ़ फिक्स एसेट्स एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ थ्री थाउजेंड रुपीज़ फिक्स एसेट्स बेचे और लॉस हो गया तीन हज़ार रुपये का तो भाई जो भी लॉस होता है वो कहाँ पर आता है वो हमारे पास सरप्लस में रिफ्लेक्ट करता है और सरप्लस किसका पार्ट होता है सरप्लस इज़ पार्ट ऑफ इक्विटी तो यहाँ पर डेट हमारा वही का वही रहा दो लाख रुपये नीचे हमारे पास एक लाख रुपये का इक्विटी था जिसके अंदर तीन हज़ार का नुकसान हो गया यानी कि अब हमारा इक्विटी रह जाएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड अब हमारा इक्विटी रह जाएगा नाइन्टी सेवन थाउजेंड का डिनोमिनेटर के कम होते ही हमारी रेशो इंक्रीज हो जाती है आपको रेशो निकाल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है बस ये बता रहा हूँ जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होता है आपकी रेशो ओवरऑल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी तो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन ये भी हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ खास था नहीं बट इंक्रीज डिक्रीज में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर पर क्या असर आ रहा है और डिनोमिनेटर पर क्या असर आ रहा है यही कुछ क्वेश्चन हैं जो टॉपर्स को और यहाँ पर थोड़ा सा जो नाइन्टीज़ में या एट्टीज में रह जाते हैं उनमें डिफरेंशिएट करते हैं मेक श्योर sure आप अपना ये वाला पोर्शन स्ट्रांग करके चलो द डेट इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज वन इज टू वन स्टेट गिविंग रीजन कोई चार करने को वगैरह हम सारे करेंगे कुछ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक तो ये इम्प्रूव वर्ड नहीं आएगा और ये रिड्यूस वर्ड नहीं आएगा इंक्रीज वर्ड आएगा और डिक्रीज वर्ड आएगा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश हम लोगों ने यहाँ पर मशीनरी खरीदी कैश में अभी डेट इक्विटी रेशो को सबसे पहले न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख देते हैं वन लाख और वन लाख मान लेते हैं कहाँ का क्वेश्चन है कौन से साल का ऑल इंडिया कम्पार्टमेंट 2011 मशीनरी खरीदी कैश में नो चेंज भाई हमारा डेट और इक्विटी को कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स कब खरीदते हैं क्रेडिट पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा इधर भी आ जाएगा हमारे पास नो चेंज सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट फर्नीचर बेचा हमने यहाँ पर कॉस्ट पे उसमें भी डेट और इक्विटी पे कोई असर नहीं आएगा इधर भी हम लोग लिखेंगे नो no चेंज आगे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट प्रॉफिट पे अगर कोई चीज बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट किसका पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, है यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है ये हमारा इक्विटी का पार्ट होता है दैट मीन्स हमारा इक्विटी बढ़ जाएगा मान के चलते हैं अगर हमें प्रॉफिट यहाँ पर पचास हज़ार का हुआ तो ये हो जाएगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डिनोमिनेटर हमारा आई एम अज्यूमिंग कि फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफ़िट हुआ हमारे पास तो ये हमारी रेशो पहले तो थी वन इज़ टू वन अब हमारे पास हमारी रेशो हो गई पॉइंट सिक्स सेवन एस टू वन तो ओवरऑल हमारी रेशो क्या हो गई डिक्रीज न्यूमरेटर बढ़ते ही पर हमारी रेशो डिक्रीज हो गई चलो जी डिक्रीज uh, ही हुई हो गया न्यूमनेटर नहीं सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ते ही हमारी रेशो डिक्रीज हो गई डिनोमिनेटर हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाया और ये बढ़ते ही हमारी रेशो डिक्रीज चलो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम हमने रिडेम्पशन किया डिबेंचर्स का जैसे डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम करते हैं हमारे डिबेंचर एक लाख के थे ऊपर डेट मान के चलते हैं हमने यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया अब हमारा डेट रह गया पचास हज़ार और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर तो हमारा एक लाख है ही हमारी यहाँ पर रेशो हो गई वन एज टू टू विच कैन बी फर्दर स्टेटेड एज पॉइंट फाइव एस टू वन हमारी ओवरऑल रेशो क्या हो गई डिक्रीज हो गई वन एज टू वन से पॉइंट फाइव एस टू वन पर आ गई ये भी आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी वर्किंग कैपिटल नहीं निकालेंगे ये हम करेंगे टर्न ओवर रेशोज एक्टिविटी रेशोज़ अभी हम लोग सिर्फ डेट इक्विटी पे ध्यान देंगे और कहीं ध्यान नहीं देंगे तो 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 अब हम लोग यहाँ पर क्या करें कैसे कैसे लें डेट और इक्विटी हम लोगों के पास बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर स्टेटस में एक बैलेंस शीट तो इधर आ जाएगा अपने पास इक्विटी एंड लायाबिलिटीज़ इसके अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स फिर होता है नॉन करंट देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा फिर हमारे पास इधर हमारे एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट और आ जाएगा भाई करंट एसेट कभी फिर इधर हम लोग टोटल कर लेंगे तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमारे पास कहीं नहीं आएगा बैलेंस शीट में ये भी कहीं नहीं आएगा अदर करंट एसेट्स यहाँ ले लो ग्यारह लाख रुपये दिस इज डन करंट लाइबिलिटीज ये भी आएगा चार लाख रुपये फिर बढ़ते हैं आगे अप शेयर कैपिटल ये भी आएगा भाई छः लाख रुपये सिक्स परसेंट डिबेंचर ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनेगा यहाँ पर थ्री लाख फिर उसके बाद नाइन परसेंट लोन अपने पास अगेन यहाँ पर आ जाएगा वन लाख फिर डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व जो भी रिजर्व हैं हमारे पास वो शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट बनते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारे पास इधर आ जाएगा वन लाख तो ये देखते हैं डेट इक्विटी रेशो निकालनी थी निकाल सकते हैं इसके अंदर डेट इक्विटी रेशो कह रहे हैं ना तो इक्विटी अपने पास है आठ लाख डेट अपने पास है चार लाख पॉइंट फाइव इस टू वन आ जाएगी डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है डेट अपॉन इक्विटी डेट है चार लाख इक्विटी है हमारे पास आठ लाख तो रेशो आ जाएगी पॉइंट फाइव टू वन जीरो पॉइंट फाइव टू वन ये हमारी रेशो निकल के आ जाएगी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेट प्रॉफ़िट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बीस रेट ऑफ इनकम टैक्स चालीस परसेंट पंद्रह परसेंट डिबेंचर्स और मॉडगेज लोन ये हमारे पास इधर गिवन है ऑल इंडिया दो हज़ार उन्नीस का क्वेश्चन है बड़ा ही रिसेंट क्वेश्चन है तो लेटेस्ट ही हम लोगों को पहले फॉर्मूला लिखना होता है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो दिस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर And tax. By पहले इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू तो कितना पंद्रह परसेंट डिबेंचर है तो यानी कि डिबेंचर्स पे पंद्रह परसेंट ऑफ वन लाख ये इंटरेस्ट हमारी कंपनी को देना पड़ेगा मॉडगेज लोन पर बारह परसेंट देना पड़ रहा है दस हज़ार रुपये का मॉडगेज लोन है हमारे पास पंद्रह हज़ार प्लस बारह सौ दिस विल बी सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटरेस्ट पेमेंट आ गई यहाँ पर सोलह हजार दो सौ अब बात करते हैं हम लोगों को दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोगों को जाना होता है बिफ़ोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर जाने के लिए पहले टैक्स जोड़ना पड़ता है फिर इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है यहाँ पर हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स टैक्स से पहले का प्रॉफिट एक्स है अगर टैक्स से पहले का प्रॉफिट एक्स है तो इस एक्स में से हम लोगों ने चालीस परसेंट ऑफ एक्स ये टैक्स के नाम का माइनस ये टैक्स के नाम का माइनस कर लिया और यहाँ हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा विच इज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज अंडरस्टैंड दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन हमने लेस करा अपना टैक्स और ये हमारे पास इधर आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जरा सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक लाख बीस हजार एक्स इज इक्वल टू एक लाख बीस हजार अपॉइंट साठ परसेंट इसको सॉल्व करोगे तो ये दो लाख रुपए आ जाएगा तो हमारे पास दो लाख रुपए आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर इंटरेस्ट जाने के लिए हम इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे इंटरेस्ट प्लस कर देंगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां कर लेता हूं प्रॉफिट बिफोर दिस विल इक्वल टू टू लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने करनी है वो जोड़ दो इसके अंदर दो लाख सोलह हजार दो सौ रुपये पर हम लोगों ने फार्मूला लिखा है यहाँ पर तो दो लाख सोलह हजार दो सौ डिवाइडेड बाय सोलह हजार दो सौ कितने टाइम्स आता है ये देख लेते हैं ये टाइम्स में आती है रेशो हमारे पास थर्टीन पॉइंट थ्री फोर टाइम्स पॉइंट थ्री फोर टाइम्स दैट्स आर आंसर यहाँ पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन था अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में इस रेशो में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट कवरेज रेशो में यही क्वेश्चन आता है अगर आप यदि कभी भी देखोगे क्वेश्चन को यही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको टैक्स रेट परसेंटेज में गिवन होगा और इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ऐसे आपको निकालनी पड़ेंगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा आपने बिफोर में जाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं लास्ट क्वेश्चन स्टेट विद रीजन वेदर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विल रिजल्ट इन इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म लोन है हमारे पास यहाँ पर हम लोग ये रीपे कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं इस लोन को तो हमारे पास डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी रट चुका है सब बच्चों को कोई भी फिगर मान लो यहाँ पे चाहे वन लाख वन लाख मान लो चाहे टू लाख वन लाख कोई भी केस ले लो एक केस ये ले, ले लेते हैं सब में सेम आंसर आएगा अलग अलग आंसर कब आते हैं जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो रहा होता है दोनों चेंज हो रहा हो तो इन तीन केसेस में अलग अलग आंसर आएगा हमारे पास वरना हमारे पास सेम आंसर है कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन रीपे करोगे तो आपका डेट कम हो जाएगा मान लेते हैं पचास हज़ार का था लोन तो पचास हज़ार का हमने पे ऑफ़ कर दिया अब यहाँ पर हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड अपॉन्न वन लाख दिस गिव्स मी अ रेशो ऑफ़ पॉइंट फाइव इज टू वन इधर आ जाओ इधर वन फिफ्टी हो जाएगा हमारे पास पचास हज़ार का हमने पे बैक कर दिया ये हमारे पास वन लाख आ जाएगा तीन केसेस लिए थे हमने वन इज़ टू वन की रेशो टू इज़ टू वन की रेशो और वन एज टू टू की रेशो इधर हमारे पास ये आ जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा वन पॉइंट फाइव एज टू वन आ जाएगा इधर भी अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा पचास हजार अपॉन दो लाख ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट टू फाइव एज टू वन तीनों ही केसेस में हमारे पास रेशो क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है हमें तीनों केसेस कब लेने होते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो रहे हो अगर दोनों चेंज नहीं हो रहे कोई भी एक चीज़ चेंज हो रही है तो आप सिर्फ कोई भी रेशो एज्यूम करके ले सकते हो और यहाँ पर करके देख सकते हो कि ओवरऑल रेशो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी या क्या होगा दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अगेन आई वुड से इन वीडियोस को फॉलो करो इन सेशंस को अच्छे से देखो बिकॉज पेपर का जो पैटर्न है इसी पे चलता है आप देखो ईयर बाय ईयर सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं एक आधा क्वेश्चन नया आता है बट बाकी सारे सिमिलर रहते हैं तो नाइन्टी परसेंट मार्क्स चाहिए तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हैं इन वीडियोस को कर लो इन क्वेश्चंस को कर लो आगे जरूरत नहीं है करने को हंड्रेड परसेंट चाहिए तो फॉलो करो गेट इन टच विद मी नीचर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको देखो फुल कोर्स यू कैन बाय इट इफ यू हैव एनी इशूज यू कैन कॉल मी थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड अगले संडे मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और सेशन लेंगे हम लोग और अगले संडे का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एक्टिविटी द नेक्स्ट संडे आई विल सी यू ऑल बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखते